नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ध्रुव राठी के स्क्वाड में हमारा एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति हमें ध्रुव राठी स्क्वाड के अंदर जो जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में पूरा ब्यौरा देता रहता है, क्या हरकतें वहाँ हो रही हैं। अब उसने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हमें बताई है जिसका खुलासा हम थोड़ी ही देर में इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले लगे हाथ हम ध्रुव राठी को थोड़ा सा एक्सपोज और कर देते हैं और उसके बाद हम बताएंगे उस स्क्वाड के अंदर क्या ज़बरदस्त हलचल चल रही है। तो पहले हम बात करते हैं ध्रुव राठी की इस फेसबुक पोस्ट के बारे में। ध्रुव राठी ने ये फेसबुक पोस्ट लिखी और इसमें कहा कि भगवान राम और रामायण एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो में उन्होंने ये देखा कि जो राम सेतु है वो एग्जिस्ट करता है। साइंस ने इस बात को मान लिया है और बहुत सारे लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे थे और उस वीडियो को शेयर करते वक्त वो ये लिख रहे थे कि देखिए राम सेतु एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि राम और रामायण सच्चे हैं और वो भारत की हिस्ट्री है, ना कि माइथोलॉजी है। अब इसके ऊपर ध्रुव राठी साहब ने ये पोस्ट लिखा है, इसमें वो कह रहे हैं कि ना राम सच्चा ना रामायण असली, क्योंकि एक बिल्डिंग के पाए जाने की वजह से अगर आप ये मान लो कि वो एग्जिस्ट करते हैं तो ये पागलपन है, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ साथ उन्होंने इस पोस्ट में ये लिखा है कि अगर ग्रीन गैबलिन नाम की एक बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है जहां पर स्पाइडरमैन लड़ाई लड़कर आया था, तो क्या आप ये मान लोगे कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है? राम सेतु कुछ आदमियों ने एक पुल बना दिया लंका और भारत के बीच में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रामायण और राम एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी ये पोस्ट ये है। अब इस पोस्ट के नीचे एक सवाल पूछा गया, वो सवाल था कि क्या मोहम्मद और जीसस भी एग्जिस्ट करते हैं? तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि मैंने इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, पर हाँ इतनी तो बात पक्की है कि जीसस एग्जिस्ट करते थे इतने ईस्वी में, और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो भी एग्जिस्ट करते थे इतने साल में। और इन्होंने एक ने कुरान लिखी, एक ने बाइबल लिखी, और इसके बाद इन्होंने अपना धर्म बना दिया, अपना धर्म चलाने लगे। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इन्होंने ये लिखा है मैंने ज़्यादा तो इसके बारे में पढ़ा नहीं है, और वहाँ दूसरी ओर उनको सबूत दे रही है वो भी साइंस, तो उसको वो नकार रहे हैं। और यहाँ पर बिना ज़्यादा पढ़े वो कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करते थे, तो मतलब यहाँ से एक हिपोक्रेसी दिखाई देती है इस व्यक्ति की। और इसके ऊपर बस एक ही चीज़ हमारे मन से निकलती है कि वाह 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 ध्रुव राठी, वाह जबरदस्त ही कर दिए हो तुम। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हर एक लिबरल या फिर लेफ्ट लीनिंग आदमी करता है, वो यही करता है कि हर बात में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन घुसाने की कोशिश करता है। मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये हो गया, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो हो गया। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो शक्तिमान जिसका नाम ध्रुव राठी है, वो शक्तिमान हर बात में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन घुसाता है, और वो डेटा लेकर आता है। डेटा भी किसका? स्क्रॉल का। जो आदमी ये कहता है कि पोस्टकार्ड और ऑप इंडिया जैसी जो वेबसाइट्स हैं वो प्रोपेगेंडा चलाती हैं, और मिश्रा भाई के खुद के सोर्सेस क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेटेड इंडियन जैसी बीजेपी आईटी सेल की वेबसाइट्स, ऑप इंडिया और पोस्टकार्ड न्यूज जैसे ब्लॉग्स। तो क्या स्क्रॉल प्रोपेगेंडा नहीं चलाती है? और आप जो डेटा दिखा रहे हो वो स्क्रॉल का नहीं है। तो स्क्रॉल का डेटा दिखाते हुए ये भाई साहब बोलते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो 2014 के बाद से डिक्लाइन पर है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ लिबरल डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, ये भी डिक्लाइन पर है। तो ध्रुव राठी साहब स्क्रॉल का डेटा देते हुए ये बात बोलते हैं और कहते हैं कि ऑप इंडिया और पोस्ट कार्ड प्रोपेगेंडा चलाती है, स्क्रॉल नहीं चलाती है। वाह ध्रुव राठी साहब, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, गजब हो आप। फिर उसके बाद
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम आपको एक अद्भुत नमूना उनका दिखाते हैं। हमने ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को देखकर ये भाई साहब इतने कलप गए कि इन्होंने हमें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। आज तक हमने ध्रुव राठी को कभी टैग नहीं किया किसी भी ट्वीट में, आज तक हमने उनके किसी ट्वीट के नीचे कोई ट्वीट नहीं लिखा, अभद्र भाषा का प्रयोग हम करते नहीं हैं और हमने केवल वीडियो बनाई जिसमें हमने उनको एक्सपोज करने की कोशिश की, तो इन भाई साहब ने हमें ब्लॉक कर दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अद्भुत नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये जो डिक्लाइन है, ये जो डिक्लाइन की ये बात कर रहे हैं, डिक्लाइन इन्हीं के जैसे लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि इनको किसी और की बातें पसंद ही नहीं है जो इनके विरोध में बोल दे, जो इनके अपोजिशन में खड़ा होकर कह दे कि नहीं भाई तुम गलत हो। अगर कोई बंदा ऐसा मिल जाए कि तुम गलत हो बोलने वाला, उसके लिए कह देते हैं कि भैया तुम तो गलत हो और हम ही सही हैं, तुम्हें हम ब्लॉक मार देते हैं। तो वाह ध्रुव राठी राम, वाह वाह ध्रुव राठी राम। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं इनकी स्क्वाड के ऊपर। स्क्वाड आजकल क्या काम कर रही है, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे बीजेपी या बीजेपी से रिलेटेड जो भी पेजेस हैं, जो भी नरेंद्र मोदी से रिलेटेड पेजेस हैं, या फिर जो कोरा पे नरेंद्र मोदी की अच्छाई लिखते हैं, या फिर जो भी इस तरीके की बातें करते हैं जो बीजेपी से रिलेटेड हो, उसी ही को टारगेट करके ब्लॉक करवाया जा रहा है, बंद करवाया जा रहा है और उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे विवेक त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति का इन्होंने असैसिनेशन ही कर दिया था कोरा के ऊपर। तो कोरा पे उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था जिसको बंद करवा दिया गया था, उसका लिंक भी हम आपको शेयर करेंगे, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे आप देख सकते हैं। तो अब नया क्या चल रहा है वहां पर, नया जो चल रहा है वो है देश में 3 रेप हुए जिसमें से केरला का रेप सर्व प्रमुख इसलिए है क्योंकि वहां पर बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, वहां पर जो सत्ता है वही उस नन के विरोध में खड़ी है और बिशप को बचाने की कोशिश कर रही है, बलात्कारी बिशप उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पीसी जॉर्ज जो कि एमएलए हैं, वो केरला से एमएलए हैं और वो नन को बोल देते हैं कि नन प्रोस्टिट्यूट है, और उधर से बिशप ये कह देता है कि जो नन है उसके साथ जो हुआ वो रेप नहीं था, वो एक्ट ऑफ काइंडनेस थी, मैं उसको जीजस से मिलवा रहा था और मैं उसको एनलाइटन कर रहा था उसका रेप करके। ये शब्द अगर बिशप बोलता है तो इससे ज़्यादा क्रुएलिटी क्या हो सकती है। जो कठुआ मामले पर इतने ज़्यादा प्रूफ्स लेकर और पता नहीं क्या क्या कर रहा था, प्रोपेगेंडा फैला रहा था, वो यहाँ पर चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, कोई वीडियो नहीं आती उसकी और ट्विटर पर भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये भाई साहब फेसबुक पर अपने स्क्वाड को क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि 19 साल की एक लड़की हरियाणा में रेप हो जाता है उसका, वो CBSE टॉपर थी, तो हमें उसका विरोध करना है। साथ साथ वो 2 और इंसिडेंट्स का नाम लेता है जिसमें उन्हें वो लिखता है कि निकाह हलाला की जो पेटिशनर थी यूपी में, उसका भी रेप हुआ है, उसके ऊपर भी ऐसा ऐसा हुआ है, रेप हुआ है, तो बेटी बचाओ जो है वो फेल हो गए, और केरला के नन का भी जिक्र किया जाता है, केवल जिक्र किया जाता है। फिर उसमें आगे जो लिखा जाता है वो बहुत ध्यान देने लायक है, वो लिखा जाता है एज वी हैव सीन सो मेनी केसेस इन इंडिया स्पेसिफिकली इन हरियाणा, दिस इज द टाइम टू सेंड आर मैसेज टू आर PM एंड हरियाणा CM। तो ये साफ तौर पर ये लिखा जाता है कि हरियाणा के CM को और PM को हमें अपना मैसेज देना है। जहां पर केरला में इतना ग्रूसम अपराध हुआ है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, उसके बारे में ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हरियाणा को अपना मैसेज भेजना चाहते हैं। हरियाणा में रेवाड़ी में ये इंसिडेंट हुआ था, 19 साल की उस लड़की का बलात्कार हुआ था और जिसने वो बलात्कार किया था उसको पकड़ा जा चुका है, लेकिन ये फिर भी हरियाणा के CM के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, केरला के CM के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहते। जबकि PC जॉर्ज ने इतनी गंदी स्टेटमेंट दी है, जॉर्ज जो ये हमारा बिशप है उसने भी इतनी घटिया स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसके ऊपर ही आवाज़ नहीं उठाना चाहते।
या अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो कहां? हरियाणा सीएम के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो वाह वाह ध्रुव राठी, वाह वाह। तो यहां से क्या पता चलता है? यहां से ये पता चलता है, केरला में चाहे कुछ भी हो जाए, केवल आवाज उठाई जाएगी बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ। और हम केरला की सच्चाई थोड़ी आपके सामने रखते हैं। केरला की सच्चाई ये है कि केरला में पिछले 9 सालों में 3 गुना रेप के इंसिडेंट्स बढ़ चुके हैं। केरला की सच्चाई ये भी है कि जितने भी रेप केरला में होते हैं, उसके 21% जो रेप होते हैं वो 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ होते हैं, जो कि देश में सर्वाधिक नहीं है तो सबसे ज्यादा तो है ही। उसके बाद 2016 में 16,960 रेप केस आए पूरे देश से, जिसमें से 2568 रेप केसेस केवल केरला से थे। और केरला रेप इंसिडेंट्स में टॉप करती है देश को, टॉप 2-3 में ये स्टेट आता है। अब उसके बाद अगली रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इन केरला क्राइम अगेंस्ट विमेन ऑन द राइज, दिल्ली एंड केरला रिकॉर्ड हाईएस्ट क्राइम। दिल्ली और केरला में सबसे ज्यादा क्राइम है। और जिशा के मर्डर और रेप केस को आप कैसे भूल सकते हैं? निर्भया कांड जैसा एक कांड एर्नाकुलम केरला में हो चुका है, तो उसको आप कैसे भूल सकते हैं? फिर भी जो आवाज उठाई जाएगी वो हरियाणा के खिलाफ उठाई जाएगी, लेकिन केरला नन के जो केस है उसके खिलाफ आवाज उठाई नहीं जाएगी। तो ये है सच्चाई ध्रुव राठी साहब की। यहां से आपको क्या समझ में आता है, आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। और एक बार वाह ध्रुव राठी साहब वाह तो हम जरूर करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें पेट्रियन पर हेल्प कर सकते हैं हमारे पेट्रॉन बनके। और आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए, तीनों ही चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिंड ट्वीट में भी वो लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ एंड एनोटेशंस में आपको पेट्रॉन का लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी वो लिंक आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।